Okay, so our today's lecture, that is, we are now going to discuss lecture 9. It is the last topic of our unit 3, that is quantum mechanics. It is Compton effect. Okay, so Compton effect kya hai aapka? Ye practical, hum ye kahe, it's a proof of particle nature of light. Hai na? Jaise humare paas kya tha? Jo evidence hai particle nature of light ke, wo ek to aapka साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने दिया था अपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेस पर. दूसरा आया था आपका कॉम्पटन की तरफ से, जिन्होंने कॉम्पटन इफेक्ट पर भी ये चीज़ दिखाई कि जो वेव है वो एज अ पार्टिकल भी आपका क्या करती है, ट्रेवल करती है. यानी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को ये क्या करता है, प्रूफ करता है. तो ये जो फिनोमिना है, स्क्रीन आ रही ना मेरी? यस सर. फिनोमिना है, 1921 में डिस्कवर किया था किसने? कॉम्पटन ने. ठीक, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट. अब इस कॉम्पटन इफेक्ट में होता क्या है, इसमें बात करते हैं. कोई ऐसा हम टारगेट रहते हैं जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, इंसिडेंट कराया जाता है. अभी फोटॉन्स काफी हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स होते हैं. हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, एक्सरेज नॉर्मली इस वाले इस आपके एक्सपेरिमेंट में लिया जाता है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो उनसे इंटरेक्ट करने के लिए उसी वेवलेंथ की हमें लाइट की रिक्वायरमेंट है. तो उस वेवलेंथ की जो लाइट रहती है कौन सी होती है, एक्सरेज. तो इसमें क्या करते हैं आपका, हम दो तरीके के रेडिएशन की बात होती है. एक होता है इंसिडेंट रेडिएशन और दूसरा होता है आपका स्कैटर्ड रेडिएशन. चलो एक बार पढ़ते हैं क्या चीज यहाँ पर ये कह रहा है इसने जो किया हुआ है. ही ऑब्जर्व्ड व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन इज स्कैटर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, द रेडिएशन गेट स्कैटर्ड. ठीक है, तो मतलब क्या निकला इसका कि कोई भी हमारे पास रेडिएशन है, अगर वो किसी इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है तो उसमें क्या होता है आपका, स्कैटरिंग होती है रेडिएशन में. और दूसरा क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन भी दूसरी डायरेक्शन में मूव कर जाता है. इसके बाद ये कह रहा है द स्कैटर्ड रेडिएशन कंटेन द रेडिएशन ऑफ लोअर फ्रिक्वेंसी ग्रेटर वेवलेंथ अलॉन्ग विथ रेडिएशन ऑफ अनचेंज्ड फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ. अब देखो अभी ये जो क्या क्या बातें कह रहा है स्टेटमेंट में, जब हम मैथमेटिक्स करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा. द रेडिएशन ऑफ अनचेंज्ड वेवलेंथ इज स्कैटर्ड लाइट इज कॉल्ड अनमॉडिफाइड रेडिएशन व्हाइल द रेडिएशन ऑफ ग्रेटर वेवलेंथ इज कॉल्ड मॉडिफाइड रेडिएशन. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट. इट प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एंड प्लैंक पॉस्टुलेट. ये तो थियोरेटिकल पॉइंट थे. अब जब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे तो सारे थियोरेटिकल पॉइंट तो मैं अभी क्लियर मैं कर दूंगा. अब देखो इसके लिए इसने आगे क्या बोला, द एक्सप्लेनेशन वाज गिवन बाय कॉम्पटन व्हिच वाज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट द फोटोन एक्चुअली स्ट्राइक्स द सब्सटेंस, सम ऑफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर द एनर्जी ऑफ फोटोन रिड्यूसेस एंड द वेवलेंथ इंक्रीजेस. चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं. पहले हम इस डायग्राम को ही देख लें. डायग्राम विजिबल है सभी लोग को? यस सर. देखो जो जो इसने थ्योरी पीछे करी है ना, सब अभी हमें समझ में आ जाएगी क्या चीज थी. इस डायग्राम का सारा खेल है, तुम्हें बहुत ध्यान से इस डायग्राम को समझना है. अब क्या कह रहा है, ये एक फोटोन है. देखो ये फोटोन, इस पे इंसिडेंट हो रहा. फोटोन क्या हुआ, इस आपका ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या रेस्ट में, इस इलेक्ट्रॉन पे फोटोन आके इंसिडेंट होता है. और फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू. कितनी एनर्जी है इसकी, एच न्यू. और मोमेंटम क्या होगा, एच न्यू बाई सी. यहाँ पर ये दिया हुआ एनर्जी है एच न्यू और मोमेंटम है एच न्यू बाई सी. बिकॉज हमने पढ़ा है पी इक्वल्स टू क्या होता है, ई सी, या इक्वल्स टू पी सी होता है. ठीक है, तो पी इक्वल्स टू कितना आ गया, ई बाई सी. इसलिए यहाँ एच न्यू बाई सी इसकी वैल्यू आई है. किसके लिए, फोटोन के लिए होता है फॉर्मूला. ठीक है, एच न्यू बाई सी किसके लिए है, फोटोन के लिए. अभी फोटोन ने जब इस इलेक्ट्रॉन को हिट किया तो क्या होगा भाई, मतलब जो दो पार्टिकल एक दूसरे को हिट करते हैं तो क्या होता है भाई, एक
मुझे आवाज आ रही है मेरी? हेलो यस सर, भैया, एक्चुअली यस सर, थोड़ा अब शायद नेटवर्क आ चुका है ना, अब कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी ज़्यादा, ये नेटवर्क चला जा रहा है बीच बीच में। तो दोबारा से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। आ गए स्क्रीन? यस सर, ओके, पहले देखो बेटे, मैं इस डायग्राम पे इसलिए ज़्यादा कंसंट्रेशन तुम्हारा लेकर आ रहा हूँ क्योंकि ये डायग्राम जिसके समझ में आ गया तो ये समझ लो कि क्वेश्चन आ था उसका यहाँ से हो चुका है। लेकिन अगर डायग्राम ही गलत कर दोगे फिर ये क्वेश्चन आगे करना बड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि ये जो फोटोन है, ये फोटोन क्या करा तुमने, इंसिडेंट कराया किस पे? इस इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चला गया और फोटोन दूसरी डायरेक्शन में। इस फोटोन को हमने क्या बोला, स्कैटर्ड फोटोन। और इसकी वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा डैश। और ये हमेशा क्या होगी, इंसिडेंट फोटोन से ग्रेटर होगी क्योंकि ई डैश हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा ई से, क्योंकि इसकी एनर्जी कुछ ना कुछ ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। अब क्या होता है कि कुछ फोटोन तो इसके साथ इंट्रैक्ट करके स्कैटर हो जाते हैं, कुछ सीधे निकल जाते हैं। जो सीधे निकल गए उन्हें बोलते हैं अनमॉडिफाइड, इनमें कोई भी चेंज नहीं आया तो इन्हें क्या बोलते हैं, अनमॉडिफाइड रेडिएशन। और जो स्कैटर हो गया इसे क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड रेडिएशन। ठीक है, टर्म आने वाली है इसमें, यूज हुई है पीछे। तो मॉडिफाइड रेडिएशन, जो स्कैटर्ड फोटोन है जिनकी वेवलेंथ चेंज हो गई है उनको बोलते हैं मॉडिफाइड। और जो सीधे निकल गए विदाउट इंट्रैक्शन एंड देयर वेवलेंथ रिमेन्स कॉन्स्टेंट एज द इंसिडेंट वन, देन दे आर कॉल्ड अनमॉडिफाइड रेडिएशंस। ये समझ में आया? और जब भी इस पे इंसिडेंट हुआ तो कुछ एनर्जी इसने अपनी दे दी किसको, इस इलेक्ट्रॉन को, और कुछ एनर्जी जो कम एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी का फोटोन हमारा रिलीज हो गया। आया समझ में बच्चों यहाँ तक? तो यस यही थ्योरी इसने पीछे बताई हुई है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर दो कंजर्वेशन लॉज को यूज करना है। पहला कंजर्वेशन लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और दूसरा जो यूज करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हमारे पास एनर्जी। देखो तो लिखा है, कॉम्पटन इफेक्ट इज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ टारगेट। अब देखो यहाँ पर कैसा है, अगर सपोज ये इलेक्ट्रॉन था, अगर इलेक्ट्रॉन, अगर हम कहते हैं कि ये जो लाइट है ये केवल वेव है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके साथ इंटरेक्ट जब ये वेव करती तो वेव क्या करती है, इस पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर नहीं कराती, केवल ये क्या करता, वाइब्रेशन करता, जो ऊपर नीचे आपका क्या हो रहा है, जो ये वेव ट्रेवल कर रही है, वेव की प्रॉपर्टी होती है ना, पार्टिकल को अपने साथ नहीं लेके जाते, जो पार्टिकल है अपनी जगह पे क्या करता, वाइब्रेट करता और अपनी मेन पोजिशन पर आता। लेकिन अब क्या हुआ, जब इस वेव ने यानी लाइट ने इसके साथ इंटरेक्ट करा तो ये कहाँ चला गया, एक डायरेक्शन में, और लाइट स्कैटर होके दूसरी डायरेक्शन में चले गई। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने अभी किसकी बात करी, पार्टिकल नेचर, इसकी लाइट के पार्टिकल नेचर की हमने बात करी है। तो पार्टिकल नेचर यानी फोटोन है एच न्यू, जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हिट करता है तो क्या होता है, कोलिजन होता है। तो एनर्जी लॉस इसमें नहीं है तो ये यस मान के सर, चलते हैं कि इलास्टिक कोलिजन था, और जैसे ही इलास्टिक कोरिजन हुआ तो ये हमारे पास फोटोन आया था, इसने इसे हिट किया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन था ये एक डायरेक्शन में चला गया और ये फोटोन कम एनर्जी के साथ दूसरी डायरेक्शन में चला गया। तो ये जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा यानी चेंज इन वेवलेंथ होता है ना, डेल्टा लैम्डा, इसे बोलता है कॉम्पटन शिफ्ट। क्या बोला जाता है ऐसे, कॉम्पटन शिफ्ट। और जो इफेक्ट होता है इसे क्या बोलता है, कॉम्पटन इफेक्ट। समझ में आया? ये कहानी है कॉम्पटन इफेक्ट की। क्या है कॉम्पटन इफेक्ट, व्हेन अ फोटोन इंसिडेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन देन द इलेक्ट्रॉन रिकॉइल्स इन वन डायरेक्शन एंड अ फोटोन ऑफ लेस एनर्जी स्कैटर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, द एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज लेस देन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, देयरफॉर द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन।
चेंज इन वेवलेंथ लैम्डा डैश माइनस लैम्डा दैट इज डेल्टा लैम्डा इज कॉल्ड कॉम्प्टन शिफ्ट एंड सिंस दिस फिनोमिना ऑब्जर्व बाय कॉम्प्टन और दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व बाय कॉम्प्टन दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉम्प्टन इफेक्ट। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक ये चीज मुझसे पूछो। हाँ बच्चों कुछ नहीं कर रहे हम, यहाँ पर क्या ले रहे हैं, लाइट का पार्टिकल नेचर ले रहे हैं, ठीक है। ये पार्ट देखो यहाँ पर लिखा भी है, इट्स कॉल्ड द स्कैटर्ड लाइट इज कॉल्ड अनमॉडिफाइड रेडिएशन व्हाई द रेडिएशन ऑफ ग्रेटर वेवलेंथ आर कॉल्ड मॉडिफाइड रेडिएशन, ठीक है। जो अनमॉडिफाइड रेडिएशन है जो स्कैटर नहीं सीधे निकल गए थे उन्हें हमने क्या बोला, अनमॉडिफाइड, और जो चेंज हो गया उसे क्या बोल दिया, मॉडिफाइड। यानी जो चेंज है आपका मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड रेडिएशन की वेवलेंथ पे उसे ही हमने क्या बोला, कॉम्प्टन इफेक्ट। और बहुत सिंपली हम कहें कि जो फोटोन इंसिडेंट हुआ और जो फोटोन स्कैटर्ड हुआ इनकी वेवलेंथ का डिफरेंस ही क्या होता है, कॉम्प्टन शिफ्ट, और इस इफेक्ट को क्या बोलता है, कॉम्प्टन इफेक्ट। किसी को कोई डाउट है तो यहाँ से पूछो, क्योंकि हम इसके बाद मैथमेटिकल पोर्शन में मैं पहुंचने वाला हूँ। हाँ बच्चों सर ये पी इज इक्वल टू एच वी अपॉन सी कैसे आया? अच्छा बेटा, ये इसके लिए होता है तुम्हारा, फोटोन के लिए इक्वल होता है पी सी, ठीक है। एनर्जी इक्वल टू मोमेंटम इनटू वेलोसिटी ऑफ फोटोन दैट इज लाइट सी, तो यहाँ से पी इक्वल टू कितना आ गया, ई बाई सी। और ये फॉर्मूला केवल किसके लिए होता है, ये केवल फोटोन के लिए होता है बेटा फॉर्मूला, ठीक है, किसी और पार्टिकल के लिए नहीं लगा सकते हम, इसलिए याद रखना है, क्योंकि अभी तुमने डेरिवेशन नहीं पढ़ा है, ये आएगा रिलेटिविटी में, इसलिए हमें, क्योंकि एक्चुअल में ये होती है एनर्जी, दिख रहा है एनर्जी, ठीक यस है। अब क्या होता है, जो इसमें क्या है, एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4 पी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें जो रेस्ट मास होता है ना फोटोन का वो जीरो होता है, फोटोन का जो रेस्ट मास होता है जीरो होता है। तो क्या बनाए, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इक्वल्स टू कितना आ गया, पी सी। आया समझ में, यहाँ पर ये दिया भी है, मैं आगे सर फॉर्मूला बता देता, लेकिन ये फॉर्मूला पहले से दिया हुआ है। तो फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो क्या होता है, जीरो। इसने हमेशा ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आ जाए विच पार्टिकल हैव इट्स रेस्ट मास जीरो, तो कौन सा पार्टिकल होता है, केवल फोटोन ही होता है जिसका रेस्ट मास जीरो होता है, बाकी पार्टिकल का ऐसा जीरो नहीं होगा, उनके रेस्ट मास कुछ होंगे और मूविंग मास कुछ और होते हैं। समझ में आया, तो इस डायग्राम को अब देखो, हम इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं बेटे, जो इलेक्ट्रॉन इधर रिकॉइल हुआ ये पाई एंगल पे, और जो इस फोटोन आपका स्कैटर हुआ उसका, उसके भी हम दोनों कंपोनेंट लेंगे, किसके, मोमेंटम के, ठीक है। अब इसका मोमेंटम का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा भाई, पी कोस थीटा पी कॉस थीटा, और इस वाले का क्या होगा, पी कॉस कोस फाइव पाई, तो पी की वैल्यू अलग अलग है उसका हम देखेंगे। इसके लिए पी है एच न्यू डैश बाई सी, और इसके लिए पी है एच अपॉन लैम्डा, अभी हम देखेंगे से। और दूसरा कंपोनेंट कहाँ होगा, अलोंग वर्टिकल एक्सिस, इसके अलोंग का इसका कंपोनेंट क्या होगा, पी साइन थीटा, साइन और इसका क्या होगा, पी पी साइन कॉस साइन पाई फाइव साइन माइनस पाई, माइनस में चल रहा है ना, क्योंकि कॉस यस माइनस सर पाई क्या होता है, कॉस फाई होता है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कन्फ्यूजन नहीं था। लेकिन साइन जब ये फाई नीचे को है एक्स एक्सिस से नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस आएगा, तो पी साइन माइनस फाई क्या होता है, माइनस पी साइन फाई। समझ में आया, यस सर पहले तो ये डायग्राम हमें समझना है कितनी किसकी एनर्जी है, दूसरा ये किस किस डायरेक्शन में आपके रिकॉइल्ड हुए हैं ये भी हमें समझना है, और तीसरी चीज क्या है, इनके कंपोनेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो इसके कंपोनेंट। तो ये को एंगल हमने थीटा लिया, हमें याद रखना है क्योंकि हम थीटा के अकॉर्डिंग काम करेंगे, और ये क्या लिया, फाइ। समझ में आया,
यस सर। और इसके बाद हमने इसके कंपोनेंट कर दिए एक्स और वाई पे। अब हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर पहले लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो ये फोटोन था, ध्यान से देखना क्योंकि डायग्राम यहां पर नहीं है। फोटोन ने किसे हिट करा? इस इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चला गया और ज्यादा एनर्जी का फोटोन एच न्यू डैश इस डायरेक्शन में चला गया। अब मुझे ये बताओ बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या एनर्जी होगी? बिफोर कोलिजन देखो एनर्जी तो कंजर्व है ना, एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन, टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। तो यहाँ ये बताओ बिफोर कोलिजन फोटोन की एनर्जी क्या थी? एच न्यू। और बिफोर कोलिजन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या थी? इसकी रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर से रिप्रेजेंट करता है रेस्ट मास एनर्जी को। आफ्टर कोलिजन फोटोन की एनर्जी क्या रह गई? एच न्यू डैश। और आफ्टर कोलिजन इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या थी? इट वॉज एम सी स्क्वायर। देखो याद रखना है एम सी स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा, टोटल एनर्जी पार्टिकल की, टोटल एनर्जी वो जब वो मूव कर रहा है। और एम नॉट सी स्क्वायर क्या होती है? पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी, जब पार्टिकल क्या रेस्ट में। दोनों में डिफरेंस है भाई। एम नॉट सी स्क्वायर का मीनिंग क्या है? जब पार्टिकल रेस्ट में था। और एम क्या है? जब पार्टिकल मूविंग है। और एम और एम नॉट के बीच में रिलेशन होता है रिलेटिविटी से, एम इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v² ओवर c स्क्वायर। समझ में आया ना बच्चों? ज्यादा यस क्लियर है सभी को? सर। दोबारा मैं बता रहा हूँ इस चीज को हमने क्या करना है यहाँ पर। हमने बात करी किसकी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? बिफोर कोलिजन क्या एनर्जी थी? ये इलेक्ट्रॉन था, इसकी एंड रेस्ट मास एनर्जी एनर्जी थी एम नॉट सी स्क्वायर। और यहाँ से फोटोन इस पर आ रहा था, इसकी एनर्जी क्या थी? एच न्यू डैश। नहीं एच न्यू था केवल। तो टोटल एनर्जी क्या हो गई? एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एच न्यू। अब इसने इसको हिट कर दिया, आफ्टर कोलिजन कंडीशन क्या बनी? ये इलेक्ट्रॉन इधर को चला गया, इसकी एनर्जी थी अब एम सी स्क्वायर। यानी फोटोन इधर चला गया, इसकी एनर्जी क्या थी? एच न्यू डैश। तो टोटल एनर्जी क्या हो गई? एम नॉट सी स्क्वायर अब बना एम सी स्क्वायर प्लस एच न्यू। यानी जो एनर्जी फोटोन की कम हो गई वो एनर्जी किसको मिल गई? इस इलेक्ट्रॉन को मिल गई। और एनर्जी ओवरऑल जा रही कंजर्व। तो यानी ये दो जो एनर्जी थी एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर, यानी एनर्जी दोनों बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन कर रही सेम। और यहाँ से एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया? एच न्यू माइनस एच न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। तो इसे ये भी लिख सकते हैं एच कॉमन लेके न्यू माइनस न्यू डैश। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक यस ये तो सर। आसान था भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना तो आसान था। अब हम जाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। तो इसको करने से पहले अब हम एक क्विज ले लेते हैं, तो सब लोग अपने स्ट्रीम लाइन में पहुंचो, हम लोग क्विज लेंगे अब। तो फटाफट से क्विज करो बच्चों, तुम्हें 2 मिनट का टाइम यहाँ मिलने वाला है। क्विज 2 मैंने भेज दिया, क्विज 3 भी तुम्हारे पास पहुँचने वाला है। नहीं क्विज 1 भेजा, क्विज 2 आएगा।
क्विज टू भी भेज दिया बच्चों से अटेम्प्ट करो, ठीक है। उसके बाद फिर हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं, तो तुम्हारे पास 4 मिनट का टाइम है, पहले क्विज वन अटेम्प्ट करोगे फिर क्विज टू। सर कोई स्त्री भी सेंड की है? सर मैं हाँ बच्चों, हो गया सभी का? यस सर, यस सर। चलो फिर से हम पहुंच रहे हैं पीपीटी की तरफ।
बहुत आराम आराम से इसको लेके चल रहा हूँ, क्योंकि बड़ा डेरिवेशन है, अपनी प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी। अभी जब ये ख़त्म होगा मैं तुम्हें शेयर करूँगा पीपीटी को, तो तुमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये समझ में आया तुम्हारा, पहले तो डायग्राम कि एक फोटोन इंसिडेंट होता है एक एटम पे, और उसके बाद वो इंट्रैक्ट करता है ना। तो एक्चुअल में हम पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं, तो पार्टिकल नेचर में क्या होगा, आपका जो पार्टिकल है वो कोलिजन की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो इस फोटोन ने इसके साथ कोलिजन किया, और फिर क्या हुआ, हमारे पास फोटोन एक डायरेक्शन में चला गया इस तरीके से, और दूसरी डायरेक्शन में क्या चला गया, हमारा इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमने लगाया फिर एनर्जी कंजर्वेशन का रूल, एनर्जी कंजर्वेशन बिफोर कोलिजन थी तुम्हारी एनर्जी एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, दैट इज द रेस्ट एनर्जी, और दूसरा था आपका आफ्टर कोलिजन एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एक नई इक्वेशन मिली जो हमने किसके टर्म में रखी है, एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू 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 डैश एम नॉट सी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को हमें याद रखना है, इक्वेशन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब हम जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरह। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन फोटोन था, इस फोटोन ने इसे हिट करा, तो फोटोन इधर एक डायरेक्शन में चला गया और इलेक्ट्रॉन आपका दूसरी डायरेक्शन में। हमने दो कंपोनेंट लिए थे, इसे लिया था थीटा और इसे नीचे लिया था फाई, यानी जहाँ इलेक्ट्रॉन गया उसे फाई बोला, जहाँ फोटोन गया उसे हमने थीटा बोला। इसके बाद मैंने कहा था दो कंपोनेंट लोगे, एक जो तुम्हारा किसके अलॉन्ग होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, दूसरा कंपोनेंट कहाँ लोगे वाई एक्सिस। तो अब हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। सो अब देखो भाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, बताओ भाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कैसे होगा मोमेंटम जो है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। देखो ध्यान से देखना, ये था तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, इधर गया तुम्हारा फोटॉन और इधर गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। अब मैंने कहा था ये एंगल जो है हमारा ये कितना था, थीटा एंगल, और ये था फाइ। अब एक्स एक्सिस के अलोंग हमने कहा था इसका कंपोनेंट क्या होगा, ई कॉस थीटा, और ये क्या होगा, ई कॉस थीटा कॉस फाई, है ना। बिफोर अब देखो बिफोर कोलिजन क्या मोमेंटम था, फोटोन आया इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, फोटोन आ रहा था, इसका था एच न्यू और मोमेंटम था एच न्यू बाई सी, देखा था ना हमने इक्वल्स टू एच न्यू बाई सी। तो बिफोर कोलिजन इलेक्ट्रॉन का क्या था मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का कोई मोमेंटम था मास नहीं, क्योंकि ये रेस्ट में था ना, इसका कोई भी मोमेंटम नहीं था, तो क्या हो गया जीरो। सिंस जो फोटोन है आपका वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही इंसिडेंट हो रहा है, तो उसका जो फैक्टर है मोमेंटम का कहाँ होगा कंप्लीट एक्स एक्सिस के अलोंग, और फोटोन का मोमेंटम कितना था एच न्यू बाई सी, तो यहाँ पर कितना आ गया एच न्यू बाई सी। यानी बिफोर कोलिजन फोटोन का तो मोमेंटम एच न्यू बाई सी था और इलेक्ट्रॉन का जीरो था, लेकिन आफ्टर कोलिजन एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन का कितना होगा और फोटोन का कितना होगा, फोटोन किस कितनी डायरेक्शन में चला गया थीटा, और इसका मोमेंटम कितना था एच न्यू डैश बाई सी। तो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लेंगे तो यहाँ पर पी कॉस थीटा है ना, जैसे एनर्जी का ई कॉस थीटा था, तो ये पी मोमेंटम का क्या आ जाएगा पी कॉस थीटा, तो पी एच न्यू डैश बाई सी इंटू कॉस थीटा। इसी तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन के लिए इसका होगा पी कॉस फाई, और इलेक्ट्रॉन का हमने कहा था मास एम है, वेलोसिटी वी से इसने ट्रेवल करना स्टार्ट करा, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया एम वी, और एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर कितना हो गया कॉस फाई। समझ में आई ये इक्वेशन, ये बताओ मुझे पहले यस सर, आसान सी यस इक्वेशन है, क्योंकि जो फोटोन है हमारा वो फोटोन एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहा, तो बिफोर कोलिजन केवल फोटोन के पास ही मोमेंटम, और कितना है एच न्यू बाई सी है।
सिंस इलेक्ट्रॉन आपका रेस्ट में है बिफोर कोलिजन, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। अब फोटोन जो स्कैटर हुआ उसकी अपना कुछ एनर्जी थी, अब वो कितनी थी? एच न्यू डैश बाई सी, एच न्यू डैश, और उसका मोमेंटम क्या था? एच न्यू डैश बाई सी। तो यहाँ से जो मोमेंटम आया हमारे पास वो कितना था? एच न्यू डैश बाई सी। और कौन से कंपोनेंट की बात कर रहे थे? एक्स कंपोनेंट की, तो ये क्या आ गया? कॉस थीटा। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन था वो फाई डायरेक्शन में गया, तो ये क्या होगा? एम वी यानी पी कॉस फाई था, तो कॉस माइनस फाई होगा, लेकिन ये प्लस हो गया क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो ये कितना बड़ा आपका एम वी कॉस फाई। अब तो क्लियर होगी ना सबको इक्वेशन? कोई ऐसा जैसे अभी तक डाउट हो भाई बता दो मुझे, क्योंकि फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। चलो इसका मतलब सबको ये क्लियर हो गई। बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, कई लोग मैं देख रहा हूँ बड़े इरेगुलर से रह रहे हैं, है ना, आई वी कुछ स्टूडेंट्स गायब हैं, तो वो उनके लिए डेरिवेशन बड़ा टिपिकल पढ़ने वाला है, क्योंकि उन्हें ये समझ में एकदम से नहीं आने वाला। अब देखो इसके बाद क्या करा, सी से दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करा और टर्म्स को रीअरेंज करा। टर्म्स को किस तरीके से रीअरेंज करा? कॉस थीटा वाली टर्म्स, नहीं, न्यू डैश वाली टर्म एक तरफ कर ली, मतलब जिसमें हमारा एच न्यू बाई सी है, एच न्यू डैश बाई सी है, और एम वी वाली इलेक्ट्रॉन की टर्म्स हमने दूसरी तरफ करी। तो यहाँ से जब सी से मल्टीप्लाई करा होगा क्या बना होगा? एच न्यू है ना इंटू एच न्यू डैश कॉस थीटा, और सी इस एम वी के साथ मल्टीप्लाई में आ गया होगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनी एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू डैश कॉस थीटा प्लस एम वी इंटू सी कॉस फाई। अब न्यू वाली टर्म्स हम एच न्यू वाली टर्म्स एक तरफ लेके चले गए, ये इधर चला गया, तो एच न्यू माइनस क्या हो गया? एच न्यू डैश। अब इस इक्वेशन को हम सजा के रख देते हैं क्योंकि इसका अभी हमें यूज करना है। तो एम वी कॉस फाई इक्वल्स टू कितना आ गया? एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस थीटा। अब हम कंपोनेंट लेंगे किधर? आपका वाई एक्सिस के अलाउ। अच्छा वाई एक्सिस के अलाउ बताओगे भाई? अब कंपोनेंट इसी तरीके से मैं बना रहा हूँ, मैं आगे दिखा नहीं रहा हूँ, स्लाइड देखता हूँ कितना तुम्हें समझ में आ रहा है। अभी फोटोन आया था, एच न्यू इसकी एनर्जी थी और एच न्यू बाई सी इसका मोमेंटम था। इसका मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या था? जीरो। आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम कितना हो गया? पी, और वो कितना था? एम वी, और इसका हो गया पी फोटोन का एच न्यू डैश बाई सी। अब मुझे क्या निकालना है इनके वाई कंपोनेंट्स? वाई कंपोनेंट्स मींस आपका वाई एक्सिस कह लो। अच्छा चलो बिफोर कोलिजन मुझे बताओ फोटोन और इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम क्या थे अलोंग वाई एक्सिस? चलो नाम लेता हूँ तभी तुम बताओगे। मोनिका, मोनिका चौहान। यस सर, हाँ बेटे क्या मोमेंटम होंगे आपके वाई एक्सिस के अलोंग फोटोन के और इलेक्ट्रॉन सर के? एच म्यू बाय सी प्लस 0। एच न्यू डैश बाई सी, हाँ बाई सी इक्वल्स टू जीरो, ऐसा ही होगा क्या? इक्वल्स टू कोई और एच बताओ। म्यू बिफोर अपॉन खाली सी बिफोर कोलिजन साइन बताओ मुझे, थीटा। बिफोर कोलिजन बताओ। हाँ परीक्षी, परीक्षी सर मैम। 0 होगा बिफोर बिफोर कोलिजन कोलिजन तो। देखो इलेक्ट्रो फोटोन कहाँ मूव कर रहा है? अलोंग एक्स एक्सिस कर रहा है ना, वाई एक्सिस में तो यस बिफोर सर, कोलिजन जीरो हो जाएगा। तो बिफोर कोलिजन वाई एक्सिस के अलोंग फोटोन का भी मोमेंटम जीरो हो गया और इलेक्ट्रॉन का तो पहले से ही जीरो था लेकिन क्योंकि वो तो रेस्ट में था। इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन क्या होगा? अब वही चीज है, एच न्यू डैश बाई सी था, कंपोनेंट क्या हो जाएगा? पी साइन थीटा, तो साइन एच न्यू डैश बाई सी कितना कितना हो जाएगा? साइन थीटा, थे और इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉन का? एम वी एमवी साइन एपिसोड माइनस थीटा, और माइनस लेकिन फाइव। माइनस करना, तो ओवरऑल क्या हो गया ये? एच न्यू डैश बाई सी साइन थीटा माइनस एम वी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? जीरो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारी जीरो चल रही है। तो यहाँ से एम वी साइन थीटा कितना मिल गया हमें?
एम वी साइन थीटा इक्वल्स टू एच न्यू डैश न्यू डैश कौन एम सी वी संख्या? साइन थीटा। अगले पेज में जो हम इक्वेशन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, वो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। अब ये एम वी साइन थीटा है, और एक और काम करेंगे, सी को इधर लेके चले जाएंगे, है ना। सी मैंने यहाँ पहुँचा दिया, इधर से सी हटा देंगे। तो एम वी सी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एच न्यू डैश साइन थीटा। और यहाँ पर क्या था इक्वेशन, जब हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लगाया था, एम वी सी कॉस पाई इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस थीटा, यानी लेफ्ट हैंड वाली टर्म पाई की आ गई, ठीक है, पाई था बेटा, है पाई करना। और राइट हैंड वाली टर्म जिसकी आई थीटा की। अब मुझे यहाँ से फाई हटाना है लेफ्ट हैंड साइड से, मुझे क्या करूंगा मैं अब इन दोनों इक्वेशन के साथ, इक्वेशन जो हमें 2i और ये 3i की, मैं कह रहा हूँ मुझे फाई हटाना है, तो मैं क्या करूँ इन दोनों इक्वेशन में से सर फाई। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर हाँ देंगे। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं, दोनों टर्म्स को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, देखें क्या कर रहा है आगे। देखो जो मैंने भी बताया था तुम्हें, सेकंड टर्म जो थी एम वी साइन एम वी सी साइन फाई इक्वल टू एच न्यू डैश साइन थीटा, और इससे पहले वाली क्या थी, एम वी सी कॉस फाई इक्वल टू क्या था, एच न्यू डैश कॉस थीटा। एच न्यू डैश कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों टर्म्स को हम सर क्या एच न्यू करेंगे, डैश हाँ सर एच न्यू डैश है। अब इन दोनों टर्म्स को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो जब भी दो इक्वेशंस मल्टीप्लाई होती है, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ही होता है ना। तब देखो यस यहाँ सर। क्या बना होगा, स्क्वायर होके हमने क्या करना है ना, ऐड करना है। अभी तो हम फिलहाल मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम ऐड कर रहे हैं। तो अभी क्या है, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन वन का स्क्वायर प्लस इक्वेशन टू का स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड होगी। तो ये क्या बना होगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और इधर बना होगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई। तो जब एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा होगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, और वो कितना हो गया, वन। यानी लेफ्ट हैंड साइड में केवल हमारी क्या बची, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक बच्चों। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड में एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस थीटा का स्क्वायर बन गया, और दूसरा बना एच न्यू डैश साइन थीटा का स्क्वायर। अब हम दोनों में क्या करेंगे, स्क्वायर खोलेंगे, क्योंकि तो फिर हमें दिख रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनने वाला है, दिख रहा है। इधर देखो ये पहली टर्म क्या बनेगी, ये हो गया ए, ये पूरी टर्म क्या हो गई बी, और ये हो गया सी। तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होगा ना ए स्क्वायर। ये क्या है एक्चुअल में, ए माइनस बी का स्क्वायर है, हम सीधा इस तरीके से कर रहे हैं। एच न्यू को मैंने क्या ले लिया, ए, और एच न्यू डैश कॉस थीटा को क्या ले लिया, बी। जब ए माइनस बी का स्क्वायर ओपन कर करते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए क्या था, एच न्यू, तो ये क्या हो गया एच न्यू का स्क्वायर। बी क्या था, एच न्यू डैश कॉस थीटा, तो ये बी का स्क्वायर हमने कर दिया यहाँ पर, तो ये कितना हो गया, एच न्यू डैश कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 एच न्यू डैश कॉस थीटा प्लस सी स्क्वायर अलग था, तो ये प्लस सी स्क्वायर हो गया, दैट इज एच न्यू डैश साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें अब देखो ये जो टर्म है एच, इसको मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ये जो एच न्यू डैश साइन स्क्वायर थीटा, एच न्यू डैश साइन थीटा का स्क्वायर, और ये क्या था एच न्यू डैश कॉस थीटा का स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, ये ग्रीन वालों में एच न्यू का स्क्वायर, एच न्यू का स्क्वायर देखो कॉमन आ गया, अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसने कितना बन जाना दोबारा से हुआ। तो यानी पहली टर्म बनी एच न्यू स्क्वायर, दूसरी टर्म बनी एच न्यू डैश स्क्वायर,
और बचा हुआ क्या है, -2 h nu h nu डैश cos थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों सभी को? यस सर, यस सर, यस सर। स्टेप वाइज स्टेप कैलकुलेशन करना है, ठीक है? अगर कैलकुलेशंस को छोड़ जल्दीबाजी में करोगे तो ये इक्वेशन बेटे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है? एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ देखो ये न्यू है और यहाँ पर ये सी है, उधर भी वी है, ठीक है? तो तुम लोगों ने बहुत ध्यान से करना है, कहीं भी ऐसा ना हो कि वी न्यू से आपका वी आपस में इंटरचेंज हो जाए और फिर तुम इस डेरिवेशन में गलतियां ढूंढते रह जाओगे, तुम्हारा खाली टाइम वेस्ट होगा। इसलिए इसे अवॉइड करने के लिए पहले से ही कैलकुलेशन अच्छे रखोगे, ठीक है? यहाँ तक ये कैलकुलेशन समझ में आया? क्या करा हमने, कंजर्वेशन ऑफ क्या लगाया, मोमेंटम लगाया, और वो लगाने के बाद हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग क्या निकाले, कंपोनेंट, और दोनों ही एक्सिस के अलोंग क्या निकाल दिया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसके बाद हमें कुछ इक्वेशन मिली, एक तरफ हमने फाई की टर्म्स रख ली, दूसरी तरफ हमने किसकी टर्म रखी, थीटा। अब हमें कुछ टर्म्स रिड्यूस करनी थी, तो इक्वेशन 2 और 3 को हमने क्या कर दिया, स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो कुछ टर्म्स में हमारा क्या बना, sin²θ + cos²θ, वो 1 हो गया। तो इक्वेशन कुछ रिड्यूस होके इस फॉर्म में आ गई, जो इक्वेशन नंबर हमारी क्या है, 4। आधा क्लियर है बेटा? यस सर, हम इसके बाद जा रहे हैं यस नेक्स्ट। सर। बहुत ध्यान से तुम लोग भी इसे अभी करोगे, हाँ? अभी जैसे ये लेक्चर ओवर होगा, आधा घंटा दोगे इस इक्वेशन को करने में, क्योंकि अब जितना लेट करोगे उतनी तुम्हारा प्रॉब्लम होगी इसमें। इसलिए अभी है, दिमाग में तुम्हारी सारी चीज़ें रहेंगी, क्योंकि ह्यूमन एफिशिएंसी है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को, 50% दिमाग में जाता है, 50% रह जाता है विद इन अ डे। वो 50% से कितना हो जाता है, 25, रात तक 25% रह जाएगा, कल फिर वो 15%, और आफ्टर अ वीक वो सब तुम्हारा 0। तो इसका मतलब तुम्हें आज ही रिवीजन करना है। आज रिवीजन करोगे, आज ही देखोगे तो तुम्हारी मेमोरी में चला जाएगा। ये बेसिक ये रिसर्च है, किस तरीके से कोई चीज़, हम नई चीज़ पढ़ते हैं वो कितने टाइम तक हमारे दिमाग में रहती है और कित कब हमें उसे रिवाइज करना चाहिए। तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों? अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हमने एक इक्वेशन लिखी थी, तुम्हें अगर याद हो, हमने लिखा था एनर्जी कंजर्वेशन, वो था h nu + m0c² बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू h nu - m c² आफ्टर कोलिजन। और यहाँ से हम वैल्यू लेकर आए थे m c² क्या था, h nu - h nu - m0c². अब क्या करा है इसने, पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया भाई। अब इस पूरी इक्वेशन का क्या करा है इसने, स्क्वायर। यानी एक तो हमने इक्वेशन नंबर 4 सजा के रख दी, जो हम मोमेंटम से लेकर आए थे, अब नई इक्वेशन लेकर आ रहे हैं। ये इक्वेशन कहाँ से ला रहे हैं, इक्वेशन 1 जो हमने बनाई थी एनर्जी कंजर्वेशन से, उसका स्क्वायर। ध्यान से स्क्वायर करोगे इसका, राइट लेफ्ट हैंड साइड में कोई दिक्कत नहीं, सीधा स्क्वायर करके क्या हो जाएगा, m²c⁴। राइट हैंड साइड में फिर से हम देखेंगे ए और बी, अच्छे से लिख देता हूँ मैं। ये पूरी टर्म को मैंने क्या लिख दिया, ए, और इस पूरी टर्म को क्या लिख दिया, बी। तो ए का स्क्वायर मतलब h nu - h nu डैश का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर मतलब m0c² का होल स्क्वायर, +2 ab होता है, तो m0c² h nu - h nu डैश। समझ में आया, ये चीज हम करने वाले हैं, ठीक है बच्चों? यहाँ तक का समझ में आया स्टेप? तो इसके बाद क्या, यस सर, इसके बाद हम आगे बढ़े। अब हमने क्या करा, इन टर्म्स को दोबारा से लिखा है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड तो m²c⁴ रह गया था, और राइट हैंड साइड में क्या था, h nu - h nu डैश का स्क्वायर प्लस m0c का स्क्वायर हो गया। तो
ये पूरी टर्म ए बोली थी, इसको क्या बोला था बी, तो क्या बना ए का स्क्वायर मतलब एच न्यू माइनस एच न्यू डैश का स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टू एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू न्यू डैश। अब उसके बाद एक और चीज होगी भाई, इसने इसमें एम नॉट सी स्क्वायर को पहली टर्म ले लिया, इसको दूसरे। अब जो ये देखो, ये किसका स्क्वायर ओपन हुआ है, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश का। अब ये भी तो स्क्वायर में थी ना टर्म, एम नॉट सी स्क्वायर ई टू द पावर 4 प्लस स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश। अब हम ये दो टर्म्स एज इट इज रखी हमने, ये इधर है और ये वाली टर्म ये है। अब ये एच न्यू माइनस एच न्यू डैश के स्क्वायर को ओपन कर दिया, तो ये क्या बना, एच न्यू स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2 एच न्यू डैश। ठीक हो गया बच्चों? हाँ ना बोलो भाई, तभी पता लगेगा मुझे कुछ तुम्हें सुनने हो या समझ में आ रहा। यस सर, यस सर, हाँ ठीक हो गया, सागर आ रहा है समझ में। यस सर। अब बेटे बोर्ड होता तो हमें तो बहुत अच्छे से सामने करके दिखाते क्लासरूम्स में ना, और देखते भी किस बच्चे को क्या समझ में आ रहा है, किस तरीके से वो कॉपी में कर रहा है। ऑनलाइन है तो बहुत लिमिटेशन आ जाती है, फिर भी ट्राई कर रहे हैं लेक्चर को हमने बहुत, क्योंकि ये सबसे लंबे डेरिवेशन में से है भाई फिजिक्स। ठीक है, तुम डम्स देख भी रहे होगे कि इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने एक बार गलती कर दी, जब आपको पकड़ में आएगी आपको समझ ही नहीं आएगा आपने गलती करी कहाँ। और जितनी देर में तुम उस गलती को ढूंढोगे उतनी देर में तुम्हारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जब हम एग्जाम करते हैं तो हमें टाइम भी बचाना होता है भाई, मैनेजमेंट करना होता है टाइम। एग्जाम एक्चुअल में होता ही है तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट और तुम्हारी राइटिंग स्किल्स। क्या नॉलेज बहुत है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, राइटिंग स्किल्स नहीं है तो नंबर नहीं आएंगे। तो अच्छे नंबर वही स्टूडेंट ला पाता है जिसके जो टाइम मैनेजमेंट है वो सही है, राइटिंग स्किल्स और प्रेजेंटेशन बढ़िया है कॉपी में, और बाकी चीज़ें उसे आती हैं। आता सब कुछ है लेकिन इन दो चीज़ों की कमी है तो नंबर कटते हैं बहुत सारे। तो यहाँ ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमें ये हमने क्या करा था, जो हमारी इक्वेशन वन आई थी एनर्जी कंजर्वेशन से, उसका स्क्वायर हमने कर दिया था। अब जो इक्वेशन फाइव आई है, ठीक है, इसको किससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फोर से। अब देखें इक्वेशन नंबर फोर अभी हमने करी थी, ये रही इक्वेशन नंबर फोर, दिख रही है। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो एक बार मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ तभी समझ में आएगा। एक मिनट बच्चों, चलो इसमें भी एडिट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर जो है देखो, लेफ्ट हैंड मैं स्क्रॉल करूंगा, तुम लोग समझते चले जाओगे कि क्या यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। अब देखो इक्वेशन फोर को किससे सब्ट्रैक्ट करना, फाइव से। तो यानी फाइव वाले के साइन पॉजिटिव आएंगे और फोर के निगेटिव आएंगे, समझ में आ रहा है। इक्वेशन फाइव में से हम फोर को माइनस कर रहे हैं, तो यानी पॉजिटिव टर्म्स किसके आने वाली है इक्वेशन नंबर फाइव की, और निगेटिव टर्म्स किसके आएंगे इक्वेशन नंबर फोर की। मतलब साइन चेंज हो जाएंगे, इक्वेशन फोर के जो भी साइन होंगे वो अब चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, इधर है एम स्क्वायर सी टू दी पावर फोर और इसमें था एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, एम स्क्वायर सी टू दी पावर फोर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। राइट हैंड साइड की टर्म देखते हैं, एम नॉट सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर फोर एज इट इज आ गया यहाँ पर। और इधर अगर हम बाकी टर्म्स देखें, एच न्यू स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश स्क्वायर, जब ये माइनस होंगी इसमें भी यही है एच न्यू और एच न्यू डैश स्क्वायर, तो ये टर्म्स आपस में क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। इसलिए एच न्यू का स्क्वायर और एच न्यू डैश का स्क्वायर दोनों ही क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब इसमें जो टर्म बची वो क्या थी, ये थी टू एच न्यू डैश माइनस के साथ है। और इससे पहले जो इक्वेशन फोर थी, इक्वेशन फोर में भी टू एच न्यू डैश वाली टर्म है कॉस थीटा, लेकिन ये माइनस में। तो इसका मतलब अब जब ये सब्ट्रैक्ट हुई होगी तो ये टर्म क्या हो गई होगी, प्लस। और देखो यहाँ पर भी टू एच न्यू डैश था,
तो टू एच न्यू एच न्यू डैश कॉमन आ गया, इसमें बचेगा माइनस वन और पहले वाले में बचेगा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ कितना आ गया, टू एच न्यू डैश उस पहली वाली इक्वेशन से कॉस थीटा माइनस में था तो प्लस हो गया माइनस वन। ये समझ आया यहाँ तक? यस सर, और फिफ्थ इक्वेशन यस जो सर, लास्ट टर्म है ये एज इट इज आ सर, गया। ठीक हो गया, एक बड़ा जबरदस्त यहाँ पर एक इक्वेशन बनी है जिसमें बहुत सारी टर्म्स हैं। ये बनी एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 टू एच न्यू डैश कॉस थीटा माइनस वन प्लस टू एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। ये इक्वेशन आई थी जब हमने 4 को 5 में से सब्ट्रैक्ट करा था, और इक्वेशन 4 और 5 आई कहाँ से थी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी लगाने के बाद। ठीक हो गया बच्चों, और इन हमने जब माइनस करा तो कुछ कॉमन टर्म कैंसिल हुई, जैसे एच न्यू डैश और एच न्यू स्क्वायर की जो टर्म्स थी वो कैंसिल आउट हो गई, लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म बची हमारी और राइट हैंड साइड में पूरी टर्म हमारी रह गई। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो अगला स्टेप है ये अभी फिलहाल तुम्हें थोड़ा याद रखना पड़ेगा क्योंकि रिलेटिविटी नहीं पढ़ी, इससे पहले चैप्टर रिलेटिविटी होता है हमारे पास। ये देखो, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था ना, मैंने बताया था ना कि जो मास होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का या किसी भी बॉडी का जो बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, तो मास आता है एम इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये एम नॉट क्या होता है, ये होता है रेस्ट मास। एम नॉट को क्या बोलते हैं, रेस्ट मास। और ये मैंने बताया था किसका रेस्ट मास 0 होता है, प्रोटॉन कौन से पार्टिकल का, फोटोन का। ठीक है, फोटोन के अलावा किसी भी पार्टिकल का रेस्ट मास 0 नहीं हो सकता। तो अब क्या हुआ, यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया, एम स्क्वायर की वैल्यू दोनों तरफ स्क्वायर करके एम नॉट स्क्वायर अपॉन वन माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। फिर मैंने क्या करा, इस बी स्क्वायर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो एम स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या आया, वन माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर। फिर मैंने क्या करा, एम स्क्वायर से क्या कर दिया, या सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो सी स्क्वायर कॉमन ले दिए, क्या बना, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर सी टू सी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? पहले हमने यस ये जनरलाइज फार्मूला लिया एम वाला, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, फिर डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या करा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी तरफ, और फिर मैंने क्या करा, हमने सी स्क्वायर को डिनोमिनेटर में सॉल्व किया तो हमें सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी टू दी पावर वी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर ये टर्म हमें मिल गई। अब एक काम और करा इसने, इसने क्या करा, दोनों तरफ सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, दोनों तरफ क्या करा, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, सी टू दी पावर 4, यहाँ कुछ नहीं था तो ये कितना बन गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, और पहली टर्म क्या बनी, एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4। ये करके हमें फायदा क्या हुआ, इतना काम जो हमने किया। हाँ बच्चों, सर, इक्वेशन 6 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। हाँ इक्वेशन 6 में देखो डायरेक्ट वैल्यू यूज करेंगे हम किसकी, एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4। ये देखो एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4 माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये अगर मैं बात करूँ इक्वेशन जो हमारी पहले आई थी लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो दिखा, यहाँ सीधे क्या लिख दूंगा मैं, अब एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4 आइए ना, इधर देखो स्क्वायर सी टू पावर 4 माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4। यानी ये लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स को मैं एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4 से रिप्लेस कर सकता हूँ। ये मैंने रिप्लेस करा, मैं एम नॉट सी की पावर 4 बना, तो इससे फायदा क्या हुआ, राइट हैंड साइड में भी एक एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4 वाली टर्म थी, दोनों तो क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गए। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की यानी ये तीन टर्म भी एलिमिनेट हो गई। अब मेरे पास केवल क्या बचा, टू जीरो इक्वल्स टू टू एच न्यू
इंटू एच न्यू डैश कॉस थीटा माइनस वन इक्वल्स टू टू एम नॉट थ्री स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। ठीक हो गया बच्चों, तो ये टर्म हमारे पास हमें मिल गए यहां पर। ठीक है, ये इक्वेशन है, लेफ्ट यहाँ जीरो हो गया क्योंकि ये दोनों तरफ एक इक्वेशन आ गई। यहाँ क्या लिखा बचा, टू एच न्यू डैश कॉस थीटा माइनस वन प्लस टू एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। अब एक काम और करते हैं, न्यू वाली सारी टर्म्स को एक तरफ और बाकी टर्म्स सर माइनस भी तो आएगा, सी माइनस आएगा कहाँ पर सर, ये टर्म गई है ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, माइनस आएगा। अच्छा माइनस, ठीक है, कहाँ पर, इधर सर सेकंड लाइन में ये वाली है, ये सर अभी तो इक्वल में ही है, इधर कट गया ना सर, वन माइनस कोस थीटा आएगा थर्ड लाइन में इसमें ना, हाँ इसमें वन माइनस कोस थीटा आएगा, इसको ठीक कर लेंगे, नेक्स्ट लाइन में करा हुआ है ना, यहाँ पर वन माइनस कोस थीटा, तो इसके आगे क्या लगा देंगे माइनस साइन। ठीक है, तो इससे कर लोगे तुम लोग करेक्ट। ठीक है चलो, सही देख लिया तुम लोगों ने कि माइनस साइन इसमें आना था, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस टू एच न्यू डैश कॉस थीटा माइनस वन इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। अब मैंने क्या कहा था, एच न्यू वाली टर्म सारी एक तरफ, एच न्यू वाली टर्म को इसके नीचे लाएंगे है ना, या ऐसा करेंगे दूसरे दूसरे तरीके से करते हैं जो इसने करा, कि यहाँ से इस पूरी टर्म को इसके नीचे लेके चले जाएंगे। अब पहले तो देखो, यहाँ पर मैं एक और स्टेप कर देता हूँ, टू एम नॉट सी स्क्वायर एच यहाँ से कॉमन आया, ठीक है, एच न्यू की जगह अब क्या आ गया, न्यू माइनस न्यू डैश। अब देखो एक एच से एच क्या हो गया, इधर कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब क्या बनेगा, यहाँ पर राइट हैंड साइड में बनेगा और एक टू से टू भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसका मतलब इधर बचेगा एम एच, यहाँ पर बनेगा केवल हमारा एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक हो गया, और इक्वल्स टू में क्या आएगा तुम्हारा, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, राइट हैंड साइड से क्या बनेगा, न्यू न्यू डैश इसके नीचे आएगा, ये चीज जो यहाँ लिखी हुई है, न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू न्यू डैश, और राइट हैंड साइड में क्या आया, एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा। पूरी टर्म्स हमने दोबारा से रीअरेंज करी, तो यहाँ से अगर हम रखें इन टर्म्स को, दोबारा लिखें न्यू डैश न्यू से डिवाइड करें, तो वन अपॉन न्यू डैश माइनस वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन न्यू इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा। तो ये है कॉम्पटन शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, किसकी टर्म्स में है, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में है, लेकिन एग्जाम में फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ना पूछ के किस में पूछ लेता है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के टर्म्स में कैसे निकालेंगे बेटा, से वन बाय न्यू डैश को लैम्डा डैश लिख लें, न्यू इक्वल्स टू क्या रखेंगे, सी अपॉन लैम्डा, और न्यू डैश इक्वल्स टू क्या रख देंगे, सी अपॉन लैम्डा डैश। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा लैम्डा डैश अपॉन सी माइनस लैम्डा बाय सी इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा। तो एक सी से सी क्या हो गया, कैंसिल, ये केवल क्या बचा, लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा। चलो आगे देखते हैं, ये चीज ने करी होगी, ये देखो न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा डैश वी इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा कितना आ गया, एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से एक चीज हमारी क्लियर हो गई कि जो लैम्डा है कॉम्पटन शिफ्ट जो आई है डेल्टा लैम्डा, उसका एक्सप्रेशन क्या है, एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा।
इसी को बोलते हैं बेटा कॉम्प्टन शिफ्ट। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं कॉम्प्टन शिफ्ट। ठीक है, और एक चीज ध्यान देना, इसमें डबल ब्रैकेट आ रहा है, इसको नहीं, इसे हटा दोगे, एक ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट नहीं है, सिंगल ही ब्रैकेट है। तो ये था बेटा एक्सप्रेशन तुम्हारा किसके लिए, कॉम्प्टन शिफ्ट के लिए। अब बताओ कॉम्प्टन शिफ्ट किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, किस पैरामीटर पे डिपेंड करेगी कॉम्प्टन शिफ्ट? केवल और केवल थीटा पे डिपेंड करती है भाई। ये देखो किस पे डिपेंड करती है, थीटा, डेल्टा, एमडा। एच क्या है? कॉन्स्टेंट। इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास ए भी कॉन्स्टेंट, सी भी कॉन्स्टेंट। वेरिएबल क्या है? केवल थीटा है, यानी डेल्टा लैम्डा किस पे डिपेंड करता है आपका, ये डिपेंड करता है थीटा पर। बाकी के बाकी सारे क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो कई बार ये एच अपॉन एम नॉट सी की वैल्यू हम देखते हैं, ये 0.0242 आती है, 0.242 एंगस्ट्रॉम। आगे देखते हैं, यहाँ तक का काम समझ में आया बेटे? लेंथी डेरिवेशन है, स्टेप बाय स्टेप हमने समझ के किया हुआ है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे 3 या 4 बार कम से कम, तब तक ये डेरिवेशन नहीं होगा। जब तुम करना स्टार्ट करोगे तुम्हें खुद दिखेगा कि बड़ा बड़ी बड़ी इक्वेशंस बन रही हैं, कहीं पर भी कोई टर्म अगर गलत लिख दी तो फिर कैलकुलेशन में बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि देखो अगर मैं दोबारा स्टार्ट करूँ तो हमने जो डेरिवेशन स्टार्ट करा था कई स्लाइड्स में पहुँचा। ये देखो ये डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट था, ये तो इसकी थ्योरी थी। डेरिवेशन इस पेज से स्टार्ट होके दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी 6 स्लाइड्स में डेरिवेशन गया हुआ है। तो इसका मतलब कॉपी में भी ये 2 पेज तो लगेंगे तुम्हारे, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात है कि इसमें जो इक्वेशंस हैं वो लेंथी होंगी, उनको तुम्हें ध्यान से करना है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, वो बड़ा आसान है, उसमें कैलकुलेशन इक्वेशन टिपिकल नहीं है और ना कैलकुलेशन भी इतना खतरनाक है इसमें, लेकिन ध्यान रखना है। आ गया बच्चों समझ में? यस सर। अब इससे कुछ कंक्लूजन निकले कि देखो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा यानी डेल्टा लैम्डा, इसका तो लैम्डा हमेशा क्या होता है, ग्रेटर आता है किससे, लैम्डा डैश ग्रेटर आता है लैम्डा से। और ये पॉसिबिलिटी यही होगी क्योंकि कभी भी लैम्डा इंसिडेंट फोटोन आफ्टर स्कैटर्ड उसकी वेवलेंथ कम नहीं होने वाली, वेवलेंथ हमेशा बढ़ेगी क्योंकि एनर्जी हमेशा क्या होगी, कम होगी। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है, द डेल्टा लैम्डा इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आने वाली लाइट की वेवलेंथ लैम्डा क्या थी और जाने वाली लाइट की वेवलेंथ लैम्डा डैश क्या, क्योंकि डेल्टा लैम्डा किस इन दोनों में से किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक। तीसरा, डेल्टा लैम्डा हैव द सेम वैल्यू ऑफ ऑल सब्सटेंस कंटेनिंग फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब डेल्टा लैम्डा क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, फॉर अ गिवन एंगल इसके लिए कोई भी सब्सटेंस हो, तो ये सब्सटेंस क्या है, कैसे है, किस, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे, ये तो केवल थीटा पे डिपेंड कर रहा है और डिपेंड क्या करेगा कि उस मटेरियल पे क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डेल्टा लैम्डा डिपेंड्स ओनली ऑन स्कैटरिंग एंगल फाई, ये भी हम पढ़ चुके। अब स्कैटरिंग की अलग अलग कंडीशन होती है भाई, फटाफट से देख लेते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है क्या क्या ये कंडीशन है। अब जो पहली कंडीशन है तुम्हारी क्या, ठीक है, फोटोन आ रहा है, फोटोन ने इंटरेक्ट नहीं करा और सीधा आगे निकल गया भाई, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फोटोन आया, इसका इस एटम के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ कोई इंटरेक्ट नहीं हुआ, सीधे आगे निकल गया, यानी थीटा कितना हो गया, फाई कितना हो गया, जीरो, थीटा हो गया जीरो। तो इसका मतलब क्या, डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा भी क्या हो गया, जीरो। नहीं रहा ना भाई, जब फोटोन अपनी डायरेक्शन में चला गया तो लैम्डा डैश इक्वल्स टू क्या हो गया, लैम्डा। इसका मतलब क्या, डेल्टा लैम्डा क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब जब इंसिडेंट फोटोन विदाउट एनी इंटरेक्शन सीधा आगे बढ़ जाता है ना, या उसकी वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता, तो कॉम्प्टन शिफ्ट क्या होती है उस टाइम पे, जीरो हो जाती है। दूसरा आया थीटा 90, ये आया फोटोन इस तरीके से, इसने इस इलेक्ट्रॉन को हिट करा, तो कहाँ चला गया ये फोटोन, 90 डिग्री के एंगल पे, तो थीटा क्या हो गया 90 डिग्री, तो डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू क्या, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा एच अपॉन एम नॉट सी। इसको बोलते हैं कॉम्प्टन शिफ्ट, 0.0243 एंगस्ट्रॉम, अभी मैंने लिखा था। तो इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्टन वेवलेंथ।
और ऐसी 180 डिग्री का केस आता है तो मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट मिलती है, यानी इलेक्ट्रॉन जो से जब हिट करा फोटोन ने, इसे हिट करा और वापस अपने ही पाथ पर आ गया। तो जब ये कंडीशन होती है, जब वो हिट करके वापस रिवर्ट बैक हो जाता है, यानी 180 डिग्री का एंगल आ जाए, तो ये कंडीशन होती है मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट की। तो कुछ नहीं था, मेन डेरिवेशन है ये, तो केवल अलग अलग एंगल्स की हम बात कर रहे हैं। मेन है आपका इस डेरिवेशन तक पहुंचना, कैलकुलेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें गलती नहीं करनी है, तो इसके गलती ना हो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। तो अब तुम लोग क्या करोगे, इस को पढ़ोगे, है ना, देखोगे क्या क्या इसमें डेरिवेशन में कितना तुम कर पाते हो, कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है। मैं अभी ये खत्म होने के बाद लेक्चर तो मैंने नोट्स इसके सेंड करूंगा, तो तुमने इन नोट्स को पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। देखो खाली इक्वेशन तुम ये सोचो कि पढ़ के कर लोगे, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेंदी इक्वेशंस हैं, डेरिवेशन लेंदी है, फिजिक्स में तुम्हें बहुत सारे डेरिवेशन अभी और आगे आने वाली क्लासेस में मिलेंगे। बस कंडीशन एक है, जो प्रैक्टिस करेगा वो कर लेगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया बच्चों? यस सर। ओके, तो अब मैं तुम्हें क्विज 3 और 4 असाइन करूंगा, तो और इसके बाद ओवर हो जाता है, फिर मैं तुम्हें नोट्स भी यहाँ से भेज दूंगा इस यूनिट के। तो तुम लोग पढ़ो भैया, प्रैक्टिस करना है इसकी, आज प्रैक्टिस करो, कुछ कन्फ्यूजन होता है मेरे से पूछो, कल फिर करो, इस वीक में जो भी यूनिट में हमने पढ़ा है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स निकली है जो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है, तो तुम्हें याद रखना है इसमें कि विदाउट प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे।